हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सीसी वेलर गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टर्न हॉल लाइन की वन ऑफ द बेस्ट अटैक स्टडी एंड स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक स्टडी, जिसका नाम है लावालोन, या फिर इसको सुई लावालोन भी बोलते हैं, या फिर इसको हम स्पैम लावालोन भी बोल सकते हैं। ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको कितने लेवल के हीरो चाहिए इस स्टडी को यूज करने के लिए। आपको मिनिमम 15 लेवल के हीरो चाहिए, क्योंकि अपने क्वीन के थ्रू हमें इनवी का सीसी को डाउन करना होता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आपको 15 लेवल के हीरोज तो चाहिए ही चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्मी कंपोजिशन। आप देख ही पा रहे होंगे क्या आर्मी कंपोजिशन है। बस आपको सीसी में एक मैक्स लेवल का लावा लेना है जो कि टाउन हॉल लाइन पे मिले, और एक फ्रिज। इस समय मेरा किंग अपडेट पे था, तब भी मैं इजीली इस अटैक स्टडी का यूज कर पा रहा था। तो चलिए अटैक रिप्ले को स्टार्ट करते हैं, साथ में मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको कैसे इस स्टडी का यूज करना है। तो हम आ चुके अपने फर्स्ट अटैक में। तो आप देख सकते हैं TS9 का लगभग मैक्स आउट बेस है। सबसे पहले आपको सीसी निकालना है। सीसी निकालने के लिए आपको सिर्फ बलून्स का यूज करना है, आपको कोई ग्राउंड ट्रूप्स हॉग्स वॉक्स का यूज नहीं करना है सीसी निकालने के लिए। आपको नॉर्मल दो लून डिप्लॉय कर देने जिस साइड से सीसी निकल जाए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन निकला है, तो इलेक्ट्रो ड्रैगन को थोड़ा सा कॉर्नर साइड में ले जाएंगे ताकि हम अपने क्वीन के अच्छे तरीके से यूज कर पाएँ, और साथ में इलेक्ट्रो ड्रैगन के मारने के साथ साथ और कुछ वैल्यू भी हमारी क्वीन दे दे। इसलिए मैंने डार्क बैग पे एक मिनियन डिप्लॉय कर दिए, जिससे इलेक्ट्रो ड्रैगन मिनियन की साइड आए और बाहर की साइड हमारी क्वीन ईजिली उसको टेक डाउन कर ले। तो यहाँ बाहर की साइड आ गया था, तो सबसे पहले हमें एक पॉइजन डिप्लॉय करना है फिर अपनी क्वीन को। मैंने क्वीन थोड़ी सी रॉन्ग साइड में डिप्लॉय कर दी, लेकिन तभी कोई दिक्कत नहीं, वो इजीली इलेक्ट्रो ड्रैगन को टेक डाउन कर लेगी, क्योंकि इलेक्ट्रो ड्रैगन उतना इफेक्टिव नहीं होता है। हमारी क्वीन बिल्डिंग्स को ब्रेक कर रही थी, फाइनली अब इलेक्ट्रो ड्रैगन पे लॉक हो चुकी थी। तो मैंने इलेक्ट्रो ड्रैगन की एबिलिटी आने से पहले ही अपनी क्वीन की एबिलिटी यूज कर ली, ताकि हमारी क्वीन एक ही शॉट में मर न जाए। आपको सेम ऐसा ही करना है, इलेक्ट्रो ड्रैगन के एक शॉट मारने से पहले ही आपको क्वीन की एबिलिटी दे देनी है। जैसे ही सीसी डाउन होता है, आपको दो लावा एक एयर डिफेंस पे दे देने हैं, और दोनों को थोड़ा सा दूरी से छोड़ना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप्स को डिटेक्ट करने का काम करे। फिर दो लावा दूसरे एयर डिफेंस के ऊपर, जो ठीक फर्स्ट एयर डिफेंस के पास में हो, उनके ऊपर भी आपको दो लावा डिप्लॉय कर देना है। आपको लावा थोड़ा डिस्टेंस में छोड़ना है, मैंने थोड़ा सा पास में छोड़ दिया है। लावा के पीछे से आपको चार चार पाँच पाँच बलून एक एक डिफेंस के ऊपर डिप्लॉय कर देना है, जिससे वो इजीली उनको डिस्ट्रॉय कर दें, और साथ में आपको हेस्ट स्पेल दे देना है ताकि वो एयर डिफेंस को जल्दी से जल्दी डाउन करे। फिर जैसे ही आपके लावा ब्रेक्स होते हैं और इनमी की क्वीन हमारे जो बलून्स को है वो टारगेट करने लगती है, आपको इनमी क्वीन के ऊपर एक स्केलेटन स्पेल दे देना है, जिससे हमारे स्केलेटन स्पेल इजीली उसको डाउन कर ले। आपको उसके लिए ज़्यादा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, एक स्केलेटन स्पेल इजीली इनमी क्वीन को डाउन कर देते हैं, और साथ में हमारे लावा पप से भी है, वो भी इजीली उनको डाउन कर देंगे। फिर जैसे हमारे सारे ट्रूप्स बीच में है, आपको दो रेज स्पेल का यूज करना है, जिससे हमारे बलून जो है वो जल्दी जल्दी सारे डिफेंसेस को टेक डाउन कर ले। फिर उसके बाद देख ही सकते हैं बेस में कुछ बचता नहीं है, आपके पास एक फ्रिज भी बच जाता है, तो आप फ्रिज का यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। तो मैंने विजार्ड टावर के ऊपर यूज कर दिया, क्योंकि विजार्ड टावर बहुत ही ज़्यादा स्प्लैश डैमेज देता है, इसलिए उसको फ्रिज करना ही जरूरी था। अभी हमारी क्वीन जिंदा है, और साथ में किंग होता तो हमें क्वीन के आगे एक किंग डिप्लॉय कर देना है सीसी मरने के बाद, ताकि वो हमारी क्वीन की हेल्प कर सके बाकी साइड की बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने में। तो ये देख सकते हैं कितनी इजीली 3 स्टार हो गया। अभी बहुत सारे हमारे ट्रूप जिंदा है, साथ में बलून्स, तो फाइनली ये बेस हो चुका है 3 स्टार। अब चलते हैं नेक्स्ट अटैक में। तो ये भी देख सकते हैं एक डिसेंट सा बेस है, लेकिन TS9 मैक्स आउट है। बस इसकी क्वीन थोड़ी सी लो लेवल की है, 23 की। सबसे पहले मैंने दो बलून्स डिप्लॉय किए जो सीसी को डिटेक्ट करने के लिए है, तो सीसी कुछ नहीं था, तो आपको ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। आप किसी भी साइड से अटैक स्टार्ट कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप क्वीन ही साइड से स्टार्ट करें या फिर एयर डिफेंस के अपोजिट स्टार्ट करें। आप किसी भी साइड से अटैक स्टार्ट कर सकते हैं, बस आपको दो दो लावा एक एक एयर डिफेंस के ऊपर डिप्लॉय करना है, जिससे हमारे जो लावा है वो टैंकिंग का काम कर सके, जिससे हमारे बलून्स जो हैं वो इजीली सारे के सारे डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय करने का काम करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वीन थोड़ी सी बाहर साइड में है, तो हमें क्वीन के ऊपर एक स्केलेटन स्पेल का यूज कर देना है, जो कि मैंने थोड़ा सा गलत किया था, अंदर की साइड कर दिया था, इसलिए अभी तक वो अलाइव रह गई, तो नहीं तो वो मर जाती। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके स्केलेटन जो है स्केलेटन स्पेल वो ठीक क्वीन के ऊपर ही जाए और दूसरे कंपार्टमेंट में न गिर जाए। तो इसी तरीके से कोई भी बेस इजीली ट्रिपल हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं मैंने बिना क्वीन के यूज किए इस बेस को ट्रिपल मार दिया।
मुझे क्वीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और साथ में एक फ्रिज भी बच गया और पॉइजन मैंने स्वैग कर दिया ताकि हमारे जो ट्रूप्स है वो बेकार न हो जाए मतलब इधर उधर। तो इस अटैक स्ट्रेटजी का प्रोसीजर बहुत ही आसान है, आप किसी भी साइड से अटैक स्टार्ट कर सकते हैं। आपको दो दो लावा एक एक एयर डिफेंस पर डिप्लॉय कर देने जो कि पास वाले होने चाहिए। लावा के पीछे से आपको तीन तीन चार चार बलून एक एक डिफेंस पे डिप्लॉय कर देने जिससे वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाए। और जैसे हमारे बलून्स थोड़े से अंदर पहुंचते हैं उनको फर्स्ट हेस्ट स्पेल दे देना है। उसके बाद जैसे ही बलून्स मिडिल में जाते हैं तो वहाँ हमें रेज स्पेल का यूज करना है ताकि हमारे बलून्स जल्दी जल्दी सारे के सारे डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर दें। फिर अगर क्वीन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो क्वीन के ऊपर हमें स्केलेटन स्पेल का यूज कर देना है तो इजीली वो डाउन हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अटैक में। सबसे पहले हमें सीसी को चेक करना है जैसा कि मैंने बताया था, तो यहाँ पे भी सीसी कुछ नहीं था तो हम किसी भी साइड से अटैक स्टार्ट कर सकते थे। तो मैंने एक एक एयर डिफेंस के ऊपर दो दो लावा जैसे बताया था तो हमें दो दो लावा डिप्लॉय कर देना है। और इसमें एयर स्वैपर की पोजिशनिंग भी ठीक अपोजिट साइड थी तो हम किसी भी साइड से अटैक स्टार्ट कर सकते थे। तो मैंने एक एक एयर डिफेंस के ऊपर दो दो लावा डिप्लॉय किया, उसके पीछे से तीन तीन चार चार बलून एक एक डिफेंस के ऊपर। अब मैंने आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड से सेम एक ही जैसा यूज किया है और उसके साथ ही मैंने स्केलेटन स्पेल का यूज कर दिया इनमी के क्वीन को मारने के लिए। लेकिन हमने स्केलेटन स्पेल का थोड़ा सा अर्ली यूज कर दिया जिससे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वो इनमी के क्वीन अभी डाउन नहीं है, उसको थोड़ा टाइम लगा, तब तक उसने हमारे काफ़ी बलून्स को मार दिया था और साथ में लावा को भी ज़्यादा डैमेज दे दिया था। जैसे हमारे बलून्स मिडिल में गए थे तो मैंने वहाँ रेज स्पेल का यूज कर दिया, फिर एक हेस्ट स्पेल मेरे पास बच गया था तो लास्ट हेस्ट स्पेल का यूज कर दिया ताकि हमारे बलून जल्दी से डिफेंस के पास पहुंच जाए और उसको डिस्ट्रॉय कर दे। एक लास्ट डिफेंस बच गया था तो वो फाइनली डाउन हो गया। मैंने पीछे से एक बलून बचा के रखा था, पता नहीं क्यों बचाया था लेकिन बचा लिया था। तो ये देख सकते हैं ये भी बेस इजीली ट्रिपल हो गया। मैंने क्वीन का यूज इसमें भी नहीं किया क्योंकि क्वीन का यूज हमें तभी करना है जब इनमी के सीसी में से कुछ निकले जो हमारे बलून्स को प्रॉब्लम क्रिएट करे। और साथ में मैंने किंग का यूज भी नहीं किया क्योंकि किंग हमारे पास था ही नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी गाइडिंग भी आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने टाउन लाइन की और भी अच्छी अच्छी अटैक स्टडी बना रखी है, अगर आप उनको चेकआउट करना चाहें चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में इन डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप दोनों जगह से चेकआउट कर सकते हैं। अगर बेस चाहिए तो बेस के भी वीडियो बना रखे हैं मैंने। तो बाय गाइस, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। रिप्ले को एंजॉय कीजिए। Inside my own world of make-believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.